वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम अल क्लासिक। और भाई कैसे हो? कमाल हो गई। वैसे 5 दिन का खेल 4 दिन और 5 दिन का खेल 3 दिन, भाई वाह। इंडिया वाले तो हमसे भी ज्यादा, साउथ अफ्रीका में उनकी हालत खराब हो जाती है। कमाल वैसे बात है भाई, सही में इंडिया वाले आउट हो गए हैं 131 पे या 130, इतना ही कोई बना है। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन किए 74, इंडिया वालों ने से एक इनिंग और 32 रन से मैच, एक इनिंग और 32 रन से मैच जीत के अपने नाम कर लिया है। और पाकिस्तान की जहाँ पास कर ले भाई, हमजा मीर मेरे भाई तूने क्या कर दिया, मीर हमजा मेरे भाई तूने क्या कर दिया, बॉल ऑफ द सीरीज करा दिया भाई यार। ऐसे कोई अंदर उसकी ट्रेविस हेड पागल हो गया, वो समझ ही नहीं आई। ट्रेविस हेड वही है जिसने इंडिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सेंचुरी मारी और वो ले गया, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप ले गया। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बेटा, फिर पाकिस्तान बाप बाप होता बेटा बेटा बेटा, इतने बॉल पड़ी है हमजा मीर हमजा की, सीधा ड्राइव अंदर, ऐसे ही अंदर से ऐसे कट होके निकल गई है जी विकेट पे। क्या इन स्विफ्ट डाली, क्या अंदर कट हुई है। फिर उसके बाद डेविड वार्नर आए हैं, हैट्रिक नहीं ले, लेकिन उन्होंने हैट्रिक पे 2 गेंदों पे 2 विकेट लेके बंदा पहुंच गया। हमारे बॉलर ने तो बड़ा अच्छा कमबैक किया, शाहीन शाह अफरीदी मेरे दोस्त ने क्या कमाल की बॉलिंग की है। पहली ओवर में विकेट लेके उस्मान ख्वाजा की कह दिया कि और जमीन बैक, और अब तुम लोग सारे कर लो अपना बैक पैक, क्योंकि अब आ रहा है और शाहीन बैक, बड़ा शाहीन, ओह माय गॉड, कटिंग कराई है, समझ आ गई है, बाल छोटे नजर आ रहे हैं, वो हमेशा बड़े ही होते हैं यार। तो दरअसल बात ये है कि बॉलर ने बड़ी अच्छी की है। मैंने मैच देखा था सुबह, मैं उठा हुआ था कोई 4:30-5 बजे तक, तो मैंने 4:30 बजे मैच लगा था, 5 बजे तक मैंने देखा है। तो बॉलरों ने ना सेकेंड इनिंग में चाहिए तो था कि 210 या 220 तक, लेकिन एलेक्स कैरी ने जो हसन अली को वो कवर ड्राइव मारी है ना, हाय 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 हाय, उसका बार बार ऑस्ट्रेलियंस वो ही रिप्ले कर ही जा रहे हैं कवर ड्राइव का। तो उसने बस ऐसे, वो भी लेफ्ट हैंडर है, उसे जब ऐसे कवर में मारी है तो वो ऐसी कोई खूबसूरत लगी है ना, वो ड्राइव ऐसे फॉर में गया भाई, कमाल अप्रतिम। तो सबसे और इसलिए तो पीछे फ्रेम लगाया हुआ है कि अपने बाबर आजम का और विराट कोहली का, तो इसलिए पहली वीडियो है जो आपको फ्रेम इसका नजर आया होगा, शायद पिछली वीडियो इस फ्रेम लगाने की भी वीडियो आ जाएगी इससे अगली वीडियो में। ओके तो जल्दी से देखना। तो इस वीडियो में इतना नहीं, आगे हमने और भी बात करनी है। बाबर आजम का पता चल गया कमजोरी, बंदे भी हर बॉल बस इधर और बैट के फासले के दरमियान निकाल दो, पहले जो सेगर बॉल उसके बाद बैट कभी, फिर तो फर्स्ट और सेकंड डे में जो वार्म थी ना ऑस्ट्रेलिया में, इतनी तो यहाँ रावलपिंडी में भी नहीं होगी, कराची में, कराची में इतने लोग नहीं जितने उधर वार्म थी। फर्स्ट डे में 66,000 कुछ थी और सेकंड डे में 44,000 कुछ थी। तो भाई तोबा तोबा, ऑस्ट्रेलियन भी क्रिकेट के शौकीन है। तो साथ ही बात है कोई रिजवान ने भी मार दिए 35, रिजवान का आउट था गलत क्योंकि उसके बाजू पे था साफ निशान, और सारे कह रहे और आंखें हमारी भी है, आंखों में सब पता चल रहा है, कैमरे की आंखों में भी कि ये बॉल जा रही है हाथ से लग के, उसका अगले का ऐसे दिखा रहा था निशान कि ये देखो अंधो लग रहा है, लेकिन एम्पायर नशे पी के नशे में थे, उसने फिर भी आउट दिया।
बाबर आजम ने भी 41 स्कोर काटे थे। शान मसूद मेरे दोस्त का स्टैट्स बड़े अच्छे हो गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में वो फोर्थ नंबर पे है, सबसे ज़्यादा अटैकिंग शॉट मारता है, तो उसने भी 60 रन बना लिए। मेरे दोस्त आगा सलमान तो टेस्ट में बड़ा अच्छा है, उसने भी 50 मार लिए। ओडीआई में थोड़ा सा वो अभी ढीला, लेकिन उसने भी, अब सिडनी में जो टेस्ट होगा पर्थ वाला भी हार गए, सीरीज तो हार गए, पर्थ एमसीजी मेलबर्न और अब सिडनी में जो होएगा उसमें इमामुल हक को साइड पे करके वो और उसको खिलाया है साइमियों को। साल में मैंने तो बात की ही नहीं कि जो अब्दुल्ला शफीक ने, अब्दुल्ला शफीक का लकब है किताबी प्लेयर, लगता है किताबी किताब में रन मारने, ऑस्ट्रेलिया में रन मारने का चैप्टर फाड़ दिया है। और वो जो कैच पकड़ने का स्लिप में वो तो बिल्कुल ही फाड़ जाएगा, उसने दो कैच स्लिप में छोड़े हैं और दो दिनों में, लेकिन दो इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन फिर भी उसको शान मसूद ने स्लिप में ही खड़ा करना है क्योंकि वो पागल है। दरअसल बात यह है क्योंकि वो स्लिप का अच्छा फील्डर है जी, क्या गुस्सा आ जाता है। उसने फिर से मिशेल मार्च को छोड़ दिया। पहली बात, पाकिस्तान ने 52 रन एक्स्ट्रा दिए बॉलिंग में पहली इनिंग में, अगर वो ना देते तो हम मैच जीत जाते, मैच हम 79 रन से सिर्फ फाड़े हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की वाइड ये जो दिए ना एक्स्ट्रा, वो भारी पड़े पाकिस्तान पे। और जो कैच छोड़ा है मिशेल मार्च ने भी 20 पे कैच छोड़ा अब्दुल शफीक ने, लेकिन मिशेल मार्च ने भी फिर 70 मारने 96 पे आउट कर दिए। तो यही मैच की अब देखते हैं, सिडनी टेस्ट में हार के वाइट वॉश होते हैं या हम जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया में, स्ट्रीक तोड़ते हैं 17 मैचेस विन। तो देखते रहे, मेरे साथ जुड़ते रहे। अब आपको मिलूंगा मैं अब अगले साल, नहीं अगले साल से पहले भी एक वीडियो, वो दो वीडियो आएंगी, एक वो तस्वीर वाली और एक दूसरी भी आएगी, मैं उसके लिए सरप्राइज में रखे वो आपको दूंगा। तो उसके बाद अगले मैच आएगा अगले साल, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।